अब हमको बात करना है कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। ये हमारी चर्चा अलग अलग कई भागों में होगी, एक भाग में नहीं होगी, अलग अलग कई भागों में होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि सारे भाग को सीक्वेंस में देखें। हमने पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर जो चार पांच भाग बनाए हैं, शुरू से लेके वो सारे भागों को आप पहले सुने। जब तक हम ये सारी चीजों को नहीं सुनेंगे, तब तक जो है ये आपको पीछे का जो हिस्सा है वो समझ में नहीं आएगा। ये मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये सारी चीजें जो इसमें बातचीत है, इसको मैं रिकॉर्ड करके आपको बता सकता हूँ, मगर इस बात को फैलाने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद सब्सक्राइब करने का नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को और जितने सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करें, और उनको बताएं कि इस चैनल को वो लोग जो है सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपको जब तक जानकारी नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा जनता में हम ये जानकारी नहीं फैलाएंगे, तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। समाजवादी व्यवस्था का जो इतिहास है, मैं बहुत पीछे से नहीं जाऊंगा, मगर आपको समझाऊंगा एक प्रक्रिया। आप अगर समाजवादी व्यवस्था के पहले, हम जो साम्यवाद की बात करते हैं, तो आप अगर दुनिया जब से शुरू हुई है, अगर उस प्रक्रिया को आप देखेंगे, तो पहले साम्यवाद ही था। जो पूर्व व्यवस्था थी वो पहले साम्यवादी व्यवस्था ही हमारे देश में, दुनिया में थी। जैसे मैंने आपको समझाया, पहले ही साम्यवादी व्यवस्था थी। साम्यवादी व्यवस्था करने का कबीले व्यवस्था, कबीलों में भी हम लोग एक पूरी समाजवादी व्यवस्था थी। सब लोग मिल बांट के इकट्ठा करते थे, मिल बांट के उसका उपभोग करते थे। उसके बाद से समाजवाद, कबीलों के बाद से फिर जैसे ही राजाशाही, राजाओं का और इनका अस्तित्व शुरू हुआ, तो उसके बाद से शोषण की व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें गुलामी वाली व्यवस्था रही। और उस गुलामी की व्यवस्था पलटने के बाद राजाशाही, और राजाशाही के साथ में जो गुलामों की व्यवस्था जो है राजाशाही के साथ में थी, फिर राजाशाही का एक रूप और बदला जिसमें कुछ थोड़ा विकास हुआ। सन 1500 के आसपास से आप देखेंगे कि बुनियादी दुनिया में जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उन्होंने मशीनों से काम करना शुरू किया, तो यहां से एक नए युग का आरंभ हुआ, जिस युग में हमको पूंजीवादी व्यवस्था हम कहते हैं, अभी आज के युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो यहां से ये नई व्यवस्था शुरू हुई। तो ये पूरा सीक्वेंस है। मैं ये कहने का मेरा आशा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ये समझें कि व्यवस्था ऑटोमेटिक नहीं पलटी है, व्यवस्था एक स्थिति के बाद अपने आप चेंज हुई है, और इसको समाज ने चेंज किया है। इसी तरीके से फिर 1500 के बाद आप देखेंगे कि राजाशाही के विरोध होने लगा, विद्रोह होने लगा, और उस राजाशाही के विद्रोह के बाद फिर एक दूसरी व्यवस्था बनी, जिसमें हमारे दुनिया में आप देखेंगे तो दो तरीके की व्यवस्था जनरेट हुई। एक तो समाजवादी व्यवस्था जनरेट हुई, दूसरा पूंजीवादी व्यवस्था जनरेट हुई। तो ये सीक्वेंस है हम जिस तरीके से समझते हैं, जो जिसको हमको समझना है। साथियों, मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी सारी चीजें आ जाए। एक चीज और है साथियों, कि ये जो सीक्वेंस मैंने आपको समझाया, हमारे देश के अंदर अगर आप इसको समझना चाहें, आज भी ये है। छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं, अगर वहां आप बहुत ही इंटीरियर में जाएंगे, तो आपको जो कबीले वाली व्यवस्था है वो आज भी हमारे देश के अंदर है। वहां पे कई जगह ऐसे है कि आज भी कबीले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा है। उसके बाद से फिर ऐसी भी व्यवस्था है जो थोड़ी डेवलप हुई है। मतलब अगर हम रिसर्च के तरीके से जो साथी देखना चाहते हैं, तो उस बात को समझने के लिए बोल रहा हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में जाएंगे आपसे, तो आपको आज भी पूरी व्यवस्था उसी तरीके से मिलेगी। जहां आज धर्म भी नहीं है, वहां कोई भी धर्म नहीं है, ना कोई भी जाति पात है। आज भी ये व्यवस्था है हमारे देश के अंदर। वासियों को अभी भी उनका धर्मांतरण हो रहा है। इसके पहले वो धर्म के चंगुल में नहीं फंसे थे, जाति के चंगुल में नहीं फंसे थे। तो जैसे ही वो समाज की टच में आ रहे हैं, हमारी इस पूरी व्यवस्था के टच में आ रहे हैं, तो उनका जो है फिर धर्मांतरण हो रहा, और अलग अलग तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। तो राजनीति में ये समझना है कि राजनीति के जैसे अटैचमेंट में आए, तो उनके सारे जो है चीजें बदलने लगी, क्योंकि राजनीति उनकी चीजों को बदल रही है। राजनीति जो समझ रही है कि अगर ये समाज, अगर हमने इसको अभी धर्मांतरण नहीं किया, इसको धार्मिक पद्धति में नहीं डाला, तो आने वाले समय में फिर इसको समझाना बहुत मुश्किल होगा, और ये पूरी अलग तरीके की एक व्यवस्था जनरेट हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको समझाया। अब हम समाजवादी व्यवस्था के रूप को समझते हैं। मैं बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी हम जो हमें वर्तमान जो 1500 से बाद का जो हिस्ट्री है उस पर हम अपन बात करेंगे, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री का बहुत सारा लंबा डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको जो शॉर्ट में बता दिया उतना काफी है। दुनिया में दो तरीके की व्यवस्थाएं पैदा हुई, पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था।
समाजवादी व्यवस्था का जो है रूस में जो है पहले क्रांति हुई, पहली व्यवस्था रूस की, पहली व्यवस्था वर्तमान युग की पहली समाजवादी व्यवस्था है। और रूस के साथ में फिर बहुत साल तक बहुत सारे देशों में, दुनिया के देशों में समाजवादी व्यवस्था काम कायम हुई। समाजवादी व्यवस्था ये कहती है कि हम सब मिलके कमाएंगे और मिलके मिल बांट के उसको खाएंगे, जो भी हम धन पैदा करते हैं या जो भी हम संसाधन पैदा करते हैं, और प्रकृति और संपत्ति पे कब्जा किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, वो पूरे समाज का होगा। प्राकृतिक संसाधनों पे और जो भी प्राकृतिक उत्पादन है उस पे सब कब्जा जो है सबका सामूहिक होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे पूरी थ्योरी, जिसके पीछे पूरा समाज, जिसके पूरे पूरी नीतियां, सब कुछ इसी के हिसाब से बना हुआ है। ये है समाजवादी व्यवस्था का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसी हिसाब से समाजवादी व्यवस्था की नीतियां बनती है। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि सारा विचार इसी के साथ कनेक्ट है। जब हम रूस की क्रांति के पहले ही बात करते हैं तो उसके पहले हमको मार्क्स की बात करना पड़ेगी। कार्ल मार्क्स ने जो है इस पूरी जो इसकी थ्योरी है वो सिस्टमेटिक थ्योरी को लिखा बनाया, उन्होंने पूंजी नाम से जो किताब लिखी थी उन्होंने पूंजी का रूप बताया, और उसके बाद से जो नया जो व्यवस्था है औद्योगिकरण वाला व्यवस्था, उसमें समाजवादी व्यवस्था कैसे कायम होगी, समाजवादी व्यवस्था का क्या रूप होगा, समाजवादी व्यवस्था क्यों कायम होगी, समाजवादी व्यवस्था का सिद्धांत क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था कैसे चलेगी, समाजवादी व्यवस्था का रूप क्या है, वो सारी चीजों का वर्णन कार्ल मार्क्स ने किया। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये पूरी एक विचारधारा है, आपको ये समझना है। पूंजीवादी व्यवस्था की जो विचारधारा है वो आदमी को जीने की विचारधारा धर्म के साथ जोड़ती है। आप हर धर्म में देखेंगे कि धर्म आपको जीने से लेके मरने तक की सारी व्यवस्था धर्म करता है, सारी व्यवस्था धर्म के अंदर होती है। आप कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे शादी करना है, क्या पहनना है, क्या क्या बोलना है, क्या तुम्हारा नाम होगा, क्या तुम्हारा सब कुछ, और बाकायदा धर्म के नाम पे एक सिस्टम है जो आप बताएंगे कि आपको कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, सब कुछ उसमें डिसाइड है। इसी तरीके से समाजवादी व्यवस्था भी पूरी तरीके से एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने की व्यवस्था है। मनुष्य के जीवन के संपूर्ण तरीके की व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था के अंदर है। मनुष्य के सारे जीवन को जीने का जो स्वतंत्रता, जीने का तरीका, जिस तरीके से जीना चाहिए मनुष्य को, वो सारे सिद्धांत, सारे नियम, सारी समझ पूरी समाजवादी व्यवस्था के अंदर है। तो हमको ये समझना है कि जिस तरीके से ये पूंजीवादी व्यवस्था है उसी तरीके से पूरी एक समाजवादी व्यवस्था है। जिस समाजवादी व्यवस्था के अंदर हर चीज है, हर तरीके का सिस्टम है, हर तरीके का एक समझ है, हर तरीके का एक दिशा है, हर तरीके का एक सिद्धांत है, ये हमको समझना है साथियों। पूंजीवादी व्यवस्था का एक विकल्प समाजवादी व्यवस्था है, और जो समाजवादी व्यवस्था पूरी तरीके से आदमी के जीवन पद्धति को निर्धारित करती है। तो मैंने बेसिक चीजें आपको समझा दी। रूस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति में उन्होंने उसको बाकायदा लागू किया, और बहुत लंबे समय 1917 से लेकर 1990 तक, इतने लंबे समय तक ये व्यवस्था एक बड़े साम्राज्य के रूप में चली। व्यवस्था खत्म क्यों हुई इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा, ये आपको अलग से समझाऊंगा, उसके कारण हम अलग तरीके से बात करेंगे। मगर साथियों हमें समझना है कि समाजवादी व्यवस्था का ये रूप दुनिया में आया, और ये 1917 से 1990 तक बहुत सारे देशों में, बहुत बड़ी संख्या में देशों में ये व्यवस्था रही। और जो पूरा युद्ध है, पूरी लड़ाई है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है और शीत युद्ध है, ये तीनों युद्ध पूरे इतना पूरा व्यवस्था के कारण ही ये लड़ाइयां हुई, सामाजिक व्यवस्था के लिए ही ये लड़ाइयां हुई। आप देखेंगे कि ये जो है अमेरिका और रूस दोनों के नेतृत्व में, वर्ल्ड हिस्ट्री में दोनों के नेतृत्व में दो व्यवस्थाओं को पूरी दुनिया में कायम करने का संघर्ष चला, ये आपको समझना है। तो हमारे को ये समझना है कि जो समाजवादी व्यवस्था है उसका जो रूप है, आज भी बहुत सारे देशों में समाजवादी व्यवस्था की सरकारें हैं, और आज की तारीख में रूस के विखंडन के बाद एक समाजवादी मॉडल जो है चाइना है, चीन है,
हमारे देश की बात करेंगे तो अभी नेपाल में भी कम्युनिस्ट सरकार बनी है, तो हमारे सामने अभी दो देश हैं जो हमारे पास में है, अभी नया नया जो है नेपाल है, और पुराना अगर हम देश की बात करें जो हमारे देश में आजाद हमारे साथ में आजाद हुआ है वो है चाइना। चाइना आज कहां पहुंच गया है और हमारा देश आज कहां है, ये आप तुलना कर सकते हो। तो साथियों ये व्यवस्था हमको, ये समाजवादी व्यवस्था जो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत लिखा उसको पूरी दुनिया में अप्लाई हुआ, और उसके बाद से लेनिन ने अप्लाई किया और ये पूरी समाजवादी व्यवस्था चली। ये समाजवादी व्यवस्था का इतिहास है। ये जो व्यवस्था है ये एक इस तरीके की व्यवस्था है जिसके अंदर मनुष्य बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन जी सकता है, और जीने के साथ में उसको बिना तनाव के, बिना स्थिति में, बिना बुराई के, सारी बिना विकृतियों के हम इस पूरी व्यवस्था में मनुष्य का जीवन जी सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का जो जीवन है वो बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही उसके अंदर अराजकता है, बहुत ही तनाव है, बहुत ही टेंशन है, बहुत ही कंपटीशन है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर है। मगर साथियों दुनिया में एक चीज जो कहा कि डेवलपमेंट है, विकास जिस तरीके से हुआ, तो पूंजीवादी व्यवस्था का जो विकास हुआ अमेरिका के नेतृत्व के अंदर, उस विकास के अंदर जो है जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से संसाधनों पर प्रकृति जो चीजें हैं पूरी तरीके से उसको बदला गया, उसका दोहन किया गया, उसको चेंज किया गया उसके जिस तरीके से, तो इसका दूसरा विकृत रूप है जो आप देखेंगे का प्राकृतिक जो है जो नेचर है पर्यावरण वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत जगह इनवेलेंस हो गया, आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है, इससे पूरा दुनिया खत्म होने का खतरा है। तो हमको ये समझना है कि विकास दिख तो रहा है हमको, मगर ये विकास जितना दिख रहा है उससे ज्यादा खतरनाक है मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य की जो है जिंदगी के लिए। विकास जिस स्पीड से हो रहा है उसका मतलब ये है कि दुनिया उतनी स्पीड से खत्म हो जाएगी, ये एक अजीब सी स्थिति है। मगर आज हम विकास को रोक नहीं सकते क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरीके से संसाधन पैदा कर रहे हैं, मनुष्य की जो है जो अपेक्षाएं हैं उनको बढ़ा रहे हैं, मनुष्य की जरूरतों को बढ़ा रहे हैं वो बाजार के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो इस जिस तरीके की स्थिति बन रही है इस स्थिति में हम कहां पहुंचेंगे एक दिन, तो एक तरीके की ये चिंता का विषय, पूंजीवादी विकास जो है ये चिंता का विषय है, हमको इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री समझाई कि बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश की कि पूंजीवादी व्यवस्था जिस रूप में दुनिया पे में चल रही है, जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से संसाधनों की लूट खसोट करके अपना मुनाफा बना रहे हैं, तो समाजवादी व्यवस्था है उसको भी विकास करना जरूरी है उसी रूप में। ये अभी आपको समझना पड़े, इसको इसका रूप चेंज हुआ है। समाजवादी जो चाइना ने जो डेवलपमेंट किया है, चाइना की समझ वही है आज। बहुत सारे लोग चाइना को बोल देते हो तो पूंजीवादी व्यवस्था बन गया है, मगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि आज भी वहां का जो चाइना का जो मजदूर है, चाइना की जनता है, उसको बुनियादी सुविधाएं आज भी हैं। मगर चाइना ने जो है इस पूंजीवादी व्यवस्था की जो नीतियां हैं उसको इस्तेमाल करके अपने विकास को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया है। इसीलिए चाइना का विकास जिस तरीके से, क्योंकि विकास तो करना पड़ेगा आज की तारीख में, अगर समाजवादी देश हैं, अगर हम समाजवादी देश के साथ खड़े हैं ये अच्छी बात है, मगर समाजवादी देश को भी विकास करना पड़ेगा क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था का जो 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 विकास है उस तरीके का विकास मजबूरी है, जिस तरीके की जो है ना ये मजबूरी है, नहीं तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो जो ये विकास डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है जो चाइना ने डेवलपमेंट किया, वो हम तो हमारा भारत देश में तो हम सोच भी नहीं सकते अभी। तो ये एक समझ का फेर है, जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था ने अपने बीच बीच में सुधार करके अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से समाजवादी व्यवस्था या जो भी दुनिया के समाजवादी सोच के देश हैं, उन्होंने अपने देश में टेक्नोलॉजी में बदलाव करके, समझ करके, पुरानी जो जैसे सोवियत संघ ने जो गलतियां करी वो गलतियां चाइना नहीं कर रहा है, इसलिए चाइना आज दुनिया की दूसरी इकोनॉमी बन गया। जिस तरीके से वो चल रहे हैं वो बहुत जल्दी दुनिया की पहली इकोनॉमी बनेंगे। तो इसको समझना है कि हमको इस व्यवस्था को समझना है कि जो ये जो पूंजीवादी विकास है, इस विकास में हमको घुसना पड़ेगा, इसके साथ में चलना पड़ेगा, ये मजबूरी है।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम से स्पीड में जो विकास हो रहा है दुनिया के लिए नकारात्मक है, मगर इस क्या करोगे आपको इस ये समाजवादी व्यवस्था के साथ में इसके कंपटीशन में आपको खड़ा होना है, तो आपको उस रूप में स्पीड में आपको भी चलना पड़ेगा। तो ये साथियों जो है ये पूरी प्रक्रिया है, हमको जिस बात को समझना है, जो हमारे मित्र हैं बहुत सारे लोग ये बोलते हैं विदेशी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, मार्क्स लेनिन की बात करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग ये बोलते हैं विदेशी विचारधारा है। आपको समझना है इस बात को थोड़ा सा, मैं इस इतिहास में इस बात को समझा देता हूं कि विचारधाराएं हमेशा किसी एक देश की नहीं होती। जो भाजपा कांग्रेस या दूसरे दल जो पूंजीवादी विचारधारा पे चल रहे हैं, ये पूंजीवादी विचारधारा भी भारत देश की नहीं है। जैसा मैंने आपको आर्थिक नीतियों में समझाया कि पूंजीवादी विचारधारा की नीतियां कौन बना रहा है, अमेरिका में बन रही हैं, दुनिया के देश मिलके ये व्यवस्था बना रहे हैं। और ये कौन से देश हैं, जो सबसे अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, और किसके लिए नीतियां बना रहे, विकासशील देशों के लिए, क्योंकि विकासशील देशों का बाजार चाहिए उनको, लूटना है उनको। तो इस बात को भी समझना है। जो साथी हमारे ये बार बार बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं कि ये कम्युनिस्ट विदेशी हैं या मार्क्स की विचारधारा विदेशी है, हमारे देश में कैसे आ गए सारी विदेशी है, तो सब कुछ विदेशी है, पूंजीवादी व्यवस्था भी विदेशी है। भारत देश के अंदर किसी भी व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ। जो सनातन की बात करते हैं वो व्यवस्था अब आज की तारीख में खत्म हो गई। सनातन की जो राजसत्ता थी वो राजसत्ता का रूप खत्म हो गया आज की तारीख में। अब आज डेमोक्रेटी आ गई, लोकतंत्र आ गया। जैसे मैंने आपको प्रक्रिया समझाई ना, प्रक्रिया से एक व्यवस्था खत्म हुई, दूसरी आई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आई, तीसरी खत्म हुई, चौथी आई। तो अभी हम पूरे देश, अभी हमारा जो वर्तमान समय है वो समय हम पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के हिसाब से दुनिया दो धुरी भी हुए। इसलिए पूरी दुनिया में दो तरीके की ही नीतियां है, दो तरीके का सब कुछ है जो मैंने आपको समझाया। जो व्यक्ति ये बात करते हैं कि ये विचारधारा विदेशी है, उनको ये भी बोल सकते हो कि आपकी विचारधारा भी विदेशी है, आप भी विदेशी विचारधारा पे काम कर रहे हो, जिसकी नीतियां अमेरिका बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं कई बार कि हमारी देश की जो व्यवस्था है अमेरिका का पिछलग्गू हो रहा है। तो इसलिए साथ इस बात को भी समझना है कि विचारधाराएं कभी जो दुनिया में हैं वो कोई देशी विदेशी नहीं होती हैं। विचारधाराएं एक प्रक्रिया के हिसाब से विकास हुआ है और उसी विकास के साथ में उनमें बदलाव हुआ है, तो दुनिया का पूरा स्थिति शामिल है सारी चीजों में। इसलिए कहना बहुत गलत है कि विचारधारा गलत है, ये विचारधारा विदेशी है, ये विचारधारा देशी है, झूठ है एकदम। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये भी चर्चा में बहुत सारे लोग बात करते हैं, इनको समझाओ खासतौर से, जो भी इस तरीके से बात करते हैं उनको आप बोलो कि आपकी विचारधारा भी विदेशी है, हमारी विचारधारा भी विदेशी है, इसलिए विदेशियों ने हमारे देश में कब्जा किया, हमें लूटा। आज भी मोदी जी पूरे दुनिया के पूंजीपतियों को, विदेशियों को लेके हमारे देश में आ रहे हैं और फिर से देश के ऊपर विदेशियों का कब्जा करा रहे हैं। विचारधारा तो छोड़ दो, पूरे विदेशियों का कब्जा दोबारा हमारे देश की सरकार करा रही है वर्तमान में। तो आप स्थिति समझ लीजिए कि आप देशी विदेशी का कोई मतलब नहीं है। और खास तौर से जो विदेशी स्वराज की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे, वो कौन से बिल में घुस गए पता नहीं है। स्वदेशी करने वाले लोग अभी आजकल वो फुल विदेशी हो गए, उनका विचारधारा स्वदेशी वाला भी खत्म हो गया। स्वदेशी वाले एक ही बच्चे बाबा रामदेव, जो उनको अपना व्यापार करना है, अपना धंधा चलाना है, इसलिए टीवी पे ऐड कर रहे हैं वो, और वो सब लोगों को मानसिक रूप से अपना फायदे के लिए, अपने धंधे के लिए स्वदेशी की बात कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये साथियों सच है आज का, जिस सच को हमको समझना है और सच को हमको बाकी लोगों को भी समझाना है। जो भी लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं सिर्फ अपनी फायदे के लिए बात कर रहे हैं। सिद्धांत को आपको समझना है, सिद्धांत आप समझ जाओगे तो मेरे को लग रहा स्वतः आप ये सारी चीजें बाकी साथियों को समझाने लगोगे, जो मैं आपको आज की तारीख में